हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में। नाउ लेट्स बिगिन। नंबर वन, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जो इंसान अपने इनकम का 10% हिस्सा बचाते थे, वो इंसान आने वाले 10 ईयर में करोड़पति बने हैं। तो आपका भी जो इनकम है उसे सेव करके ज़रूर रखिए, अपने इनकम का 10% 20% ज़रूर बचाइए। नंबर टू, जो लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करके अपना पूरा जीवन उस लक्ष्य के प्रति लगा देते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा खुश रहते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में जिन लोगों के पास अपने जीवन की सही दिशा नहीं होती। जो लोग अपने कैरियर को लेके कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि उन्हें करना क्या चाहिए एंड वो क्या करें अपने लाइफ में, अपने कैरियर के लिए हर चीज़ों को प्रोग्राम करके चलते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए वो सब कुछ वो पहले से सेट करके चलते हैं, तो वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं उन लोगों के कंपैरिजन में। नंबर थ्री, साइकोलॉजी का मानना ये है कि अपने विचारों को एक पेपर पे लिखने से आपके दिमाग का तनाव कम होता है और साथ ही उसका कंक्लूजन आपके सामने निकल जाता है। तो अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक पेपर पे लिखिए। आप पेपर पे लिखते हो तो आप ये समझ पाते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आपको करना क्या चाहिए करके ट्राई कर सकते हो। नंबर फोर, साइकोलॉजी का मानना ये है कि वैराइटीज ऑफ बुक पढ़ने से आपके माइंड की सोचने और समझने की टेंडेंसी है, पावर है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करती है। नंबर फाइव, क्या आपको पता है कि इंडिया में 5 में से 4 लोग अपने जीवन से, अपने लाइफ से खुश नहीं हैं। नंबर फाइव, साइकोलॉजी का मानना ये है कि जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो, चीज़ों को आप पेपर पे लिखिए, उन चीज़ों को आप पेपर पे लिखिए एंड अगर आप ऐसा करते हो तो उन चीज़ों को आप आसानी से पा सकते हो। नंबर सेवन, साइकोलॉजी का मानना ये है कि जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो उससे 10% ज़्यादा जब आपको कोई और देखता है तो आप ज़्यादा अच्छे लगते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर अपने आप को मिरर में देख रहे हो तो आप उससे 10% ज़्यादा बेटर लगते हो। ओके, नंबर एट, साइकोलॉजी का मानना ये है कि कोई इंसान अगर सॉरी बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है। वो इंसान सॉरी इसलिए बोलता है बिकॉज उसके ईगो से ज़्यादा उसके लिए वो रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो सॉरी बोलता है। नंबर नाइन, साइकोलॉजी का मानना ये है कि अकेलापन तब फील नहीं होता है जब आप अकेले होते हो, अकेलापन तब फील होता है जब आपकी कोई परवाह नहीं करता है, आपका कोई केयर नहीं करता है। तो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।